दादरा नगर हवेली में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी शिक्षकों के लिए आयोजित 5 दिवस लर्निंग टू बेस प्रशिक्षण का गुरुवार को समापन हुआ। रखोली एवं गलोंडा में चले 5 दिवसीय प्रशिक्षण में प्राइमरी के 270 एवं अपर प्राइमरी के 1600 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के शिक्षा का स्तर ऊंचा लाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। NCERT द्वारा लर्निंग आउटकम का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान शिक्षकों को कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के दौरान क्या करना चाहिए सहित के पहलुओं को बताया गया। जिला पंचायत शिक्षा अधिकारी जयेश पटेल ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाने के दौरान उन्हें मदद मिल सके। मेरा नाम कोमल है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, CPS रखोली इंग्लिश मीडियम में टीचर एज अ टीचर जॉब करती हूँ। और यहाँ पे हम लोग लर्निंग आउटकम्स, बेसिकली लर्निंग आउटकम्स का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से जो नया पैटर्न हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है तो उन्हें बेस बनाकर हम बच्चे की एजुकेशन को कैसे उनकी समझ को और बेटर बना सकते हैं, एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करके, पूरा प्लानिंग करके, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सके। ये हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, टीचर्स को हम यही सिखा रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये लर्निंग आउटकम्स क्या है बेसिकली, हमारे लेसन्स में, हमारे एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है उनका, उसी को लेकर के है। हमें प्लानिंग किस तरीके से करना है और उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है, यही हम यहाँ पे टीचर्स को सिखा रहे हैं, इसी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जब वो अपने क्लास में जाए तो वो बच्चों को सोचना सिखाए। क्योंकि बच्चों को हम हर बार बोलना सिखाते हैं कि आप ऐसा बोलो, ऐसा करो, लेकिन इस बार हमें बच्चों को इस लर्निंग आउटकम के ट्रेनिंग के बाद वो इस ऐसा सिखाएंगे कि बच्चे खुद सोचेंगे, खुद एक्टिविटीज़ करेंगे, खुद सीखेंगे, उनकी जो भी सीखने की क्षमता है वो डेवलप होगी, विकसित होगी। आ ट्रेनिंग लाभदायी तो एटला खूब ज रहेशे, कारण के जेम आपणे जाणीए छीए कि खूब दुनिया खूब झड़पथी बदलाई रही छे। आज जे रीते दरेक क्षेत्र में बदलाव आ रहा है तो शिक्षण में खूब झड़पथी बदलाव आ रहा है। नवा शिक्षण जोड़े अपना बाड़को, नवी टेक्नोलॉजी जोड़े अपना बाड़को जोड़ाई, अने ये खूब महत्वनु छे। अने जे बदलवानी तैयारी नहीं राखे ए आ दुनिया में पाछळ पड़ी जशे। अने एटला माटे अमारा शिक्षकोए पण पोतानी जातने सतत अपग्रेड अने अपडेट राखवी खूब जरूरी छे। अने एटला माटे ज आ तालीमनो आयोजन कर्युं छे, अध्यापन निष्पत्ति एटले के लर्निंग आउटकम्स, बाळकने एक आपणे जे कंई शीखवीए एना पछी आपणे एमनी पासे शुं इच्छी परिवर्तन इच्छीए छे। जेवी रीते के आपणे जमीनमां एक दाणो नाख्यो पछी आपणे एक अपेक्षा होय छे कि एमांथी ए आपणे जो कोईक धान्य नाख्युं छे, घऊं नाख्युं छे, तो घऊंनी खूब सारी एवी वृद्धि आपणने मळवी जोईए, कि खूब सारी फसल मळवी जोईए। एज रीते બાળકની અંદર બદલાતા જમાના મુજબ જે કંઈ શૈક્ષણિક કૌશલ્યો છે એની અંદર જે પરિવર્તન છે અપેક્ષિત એ આવવું જરૂરી છે। અને એટલા માટે જ અહીંયા ગલોંડાની અંદર પ્રાઇમરી 1-5 ધોરણના શિક્ષકો માટેની તાલીમ રાખવામાં આવી છે। લગભગ 750 જેટલા ટીચરો અહીંયા છે, 790 ટીચરો છે અહીંયા આગળ। અને બીજા રખોલીની અંદર અપર પ્રાઇમરીના શિક્ષકો માટે તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને બંને જગ્યાએ જે સ્પેશિયલ ટ્રેનરો છે, ટીચરો છે, એ એમને ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે। અને નક્કી જ આ ટ્રેનિંગ પછી આપણા શિક્ષકો વધુ અપડેટ થશે અને પોતાનું જે એમણે અહીંયા જે કંઈ મેળવ્યું છે એનું પોતાના વર્ગખંડોની અંદર પ્રદર્શન કરીને સારામાં સારું પરિણામ જેની કાયમ ફરિયાદ રહે છે એ પરિણામ સારામાં સારા બાળકોની અંદર અપેક્ષિત પરિવર્તન લાવશે। આ 5 દિવસની સર્વ શિક્ષા અભિયાન, સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનની ટ્રેનિંગ હતી, એમાં અધ્યયન નિષ્પત્તિ વિશે જે અહીંયા જે માસ્ટર ટ્રેનરો હતા એ માસ્ટર ટ્રેનરે તાલીમાર્થી અને શિક્ષક મિત્રોને જે ટ્રેનિંગ આપી છે એ બાળકો સુધી પહોંચાડવા માટે અહીંના જે શિક્ષકો છે એ ખૂબ જ તત્પર છે અને એ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે બાળકોમાં શિક્ષણ આપવા માટે તત્પર છે। અધ્યયન નિષ્પત્તિ એટલે કે જે બાળકોમાં જે કૌશલ્ય વિકસાવવાનું છે એ હતો એવો નહીં, એને વિકસાવવાનું જ છે, એનામાં પૂરેપૂરો કૌશલ્ય વિકસે અને અધ્યયન નિષ્પત્તિ પૂર્ણ કરે એ હેતુથી અહીંયા જે ટ્રેનિંગ આપી છે। બાળકોમાં ચોક્કસ પ્રમાણે ફાયદો થશે અને હાલના તબક્કામાં આપણે પણ બધાએ જોયું કે અહીંયા જે પરીક્ષા લેવામાં આવી છે એમાં ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે પણ સેકન્ડ ટોપ પર હતું આપણું આ દાદરા નગર હવેલી, તો અહીંનું જે શિક્ષણ છે એ શિક્ષણ સારું છે અને શિક્ષકો પણ હોશિયાર છે અને બાળકો માટે પ્રયત્નો કરતા છે।